लेकिन सही से बात बताइए कि हमारे जो बुजुर्ग चाचा है नीतीश जी 9 बार ओथ ले लिए, अब उनसे बिहार चलने वाला है। अरे जोर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है, चलने वाला है। आई बीजेपी वाला दिन भर झूठ बोलता रहता है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का काम करता है। तो इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि लालू जी के चाहने वाले लोग, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों से कहना चाहते हैं, नेताओं से कहना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि गरीब के दुख सुख का भागीदार बनिए, गरीब को सीधे से लगाइए, अति पिछड़ों के घर जाइए, महादलितों के घर जाइए, सबको जोड़ने का काम कीजिए। तो जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, सबको सम्मान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। ये A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। किसी भाई को हमारा पीछे ना छूटे, इसका हम ख्याल जरूर रखने का काम करेंगे। तो इसलिए आज आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं और मोतिहारी में हम सब लोगों ने काम किया है इस सरकार में। आप देखिएगा, हम लोग चाहते थे कि अब शुरू करने वाले थे ये जो झील है, इसमें हम लोग वाटर स्पोर्ट्स जो है मोती झील में, इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे थे। पैसेंजर बोट का हम लोग शुरुआत करने जा रहे थे क्योंकि पर्यटन विभाग हमारे अंतर्गत था। पैडल बोट हो गया, सोफा कवर, सब लाइफ जैकेट, सब का इंतजाम हम लोग करवा रहे थे। अब पता नहीं जो नई सरकार आई है वो कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा। 3 साल में एक बार ओथ होता है, 5 साल सरकार चलता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3.5 साल हो रहा है, 3 बार ओथ ले ली। बताओ ऐसा कई देश में हुआ है? ये तो रिकॉर्ड कायम कर लिए 9 बार CM पद का ओथ लेने का। लेकिन सवाल ये है कि आज सब लोग नौकरी के बारे में बात कर रहा है, सब लोग कह रहा है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। एक सवाल आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, दिल पर हाथ रख करके बताना, सच्चे मन से सच्चा जवाब देना, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? सच्चे बताइए, किसके मुंह से आपने सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? बताओ, डिप्टी CM रहते हुए अगर हम 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो अगर हमको मौका मिलेगा तो सब बेरोजगारों के दुख दर्द को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। लगभग 1,30,000 बहाली निकलने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ केडर बनाया और हम लोग हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी पद रिक्त थी, खाली पद था, उसको भरने की कवायद हम लोगों ने शुरू किया। ऐतिहासिक काम हुआ, पहली बार जाति आधारित गणना पूरे देश पे हम लोगों ने कराया। कहीं भी देश में किसी भी राज्य सरकार ने आज तक जाति आधारित गणना नहीं कराया। हम लोगों ने आंकड़े साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने इकट्ठा किए, उसमें पता चला कौन लोग गरीब है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग जो है भीख मांगने का काम करता है, कौन लोग जो है ठेला चलाने का काम करता है, कौन लोग जो है नाला और कचरा साफ करने का काम करते हैं, कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा जात के लोग हैं जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उस दिशा में हम लोगों ने सरकार ने काम किया। यही नहीं, IT पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। हम लोगों ने जितने महादेव को दुगुना हम लोगों ने करने का काम किया, चाहे तालीमी मरकज के लोग हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, या हमारी आंगनबाड़ी दीदियां हो, या हमने ममता और आशा दीदियों के लिए भी फाइल कर दिया, 2500 रुपया मानदेय बढ़ाने का काम किया।
इतना काम हम लोगों ने किया, जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिल रहा है, जो नजर ला रहा है उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। नए सोच के नया बिहार बनाना है। अब मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने ख्याल आपके हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि आपके सुनहरे भविष्य को देखते हुए काम करे, बिहार को अव्वल राज्यों में लाने का काम करे। और हमने आगाज कर दिया है कि बिहार को विकसित राज्य में लाना है। रोजगार, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई की बात करनी है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय दिलाने की बात करनी है। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिले, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का प्यार मिले। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? लेकिन हम लोग तो देखो 17 महीने में ये काम किया है, जो 17 साल में नहीं किया। आज जो लोग भी कहते होंगे कि नौकरी उन्होंने दिया, तो जरा उनसे पूछना कि 17 साल जब बीजेपी के साथ आप सरकार में थे, तब आपने क्यों नहीं किसी को सरकारी नौकरी देने का काम किया? जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, कई सालों से आंदोलन कर रहे थे, समान काम समान वेतन से लेकर के हर बात को ले रहे थे, हम लोगों ने 17 महीने में उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी दर्जे का हम लोगों ने मौका दिया है, राजकीय दर्जा उनको मिला है। तो ये काम हम सब लोगों ने किया। लेकिन यही 20 की बात याद कीजिए, जब हम कहते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा बोलते थे कि कहां से लाएगा, अपने बाप से पैसा मांग के ला करके वेतन देगा। ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है। तो जो उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माना करते थे कि भाई असंभव है, हमारे 17 महीने आने के बाद उसको हमने संभव करके उनके हाथ से नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया। कहते माई के साथ माई बाप की भी पार्टी, बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आदि आबादी महिला की, अब पी से पुअर और एम वाई तो है ही है, यानी पूरा ए टू जेड का पार्टी ये राष्ट्रीय जनता दल है। और माई भी मेरी जनता है, बाप मेरा जनता, गुरु मेरा जनता, ताकत मेरा जनता, भरोसा मेरा जनता, ए टू जेड का विश्वास मेरा जनता। इसीलिए हम इस यात्रा में हमने नाम रखा है जन विश्वास यात्रा का। तो आप लोगों का आशीर्वाद हम लेने आए हैं। आगे का भी हम लोगों को कार्यक्रम करना है। हम ज्यादा किसी को हम बोलने नहीं आए, लेकिन एक बार मोतिहारी की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, 10 साल आपने नरेंद्र मोदी जी को दिया और कई कर्म से मोतिहारी की जनता ने, मोतिहारी की जनता ने भाजपा के सांसद को जिताने का काम किया, भाजपा के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। यही मोदी जी आए थे चंपारण की धरती पर, तो उन्होंने क्या वादा किया था कि यहाँ का चीनी मिल चालू करा के यही के चीनी का चाय वो पिएंगे। क्या हुआ? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, इतने साल से भाजपा का सांसद है, इतने साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, 17 महीने छोड़ दीजिए तो राज्य में उनकी सरकार थी,
आपके लिए पूर्वी चंपारण के लिए कौन सा नया उद्योग लगा दिया, कौन सा नया कारखाना लगा दिया, क्या किसानों के लिए आय दुगुना किया कि नहीं किया। यानी ढाका में भी लगभग 6 से 8 हम लोगों ने जगह जगह जो है स्वास्थ्य केंद्र को दिया। 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण राशि 20 करोड़ का हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति दे दिए। अनुमंडल अस्पताल सिकरहना ढाका निर्माण 17 करोड़ का हमने प्रशासनिक स्वीकृति दिया। सदर अस्पताल पूर्वी चंपारण में बताइए रात रात भर घूम करके हम अस्पताल में छापा मारते थे ताकि लोग का इलाज और दवा हो जाए अच्छे से, कोई गड़बड़ ना मिले। हम लोग गड़बड़ वालों को ढूंढते थे, काम करते थे चाहे दिन और रात हो, अस्पताल का कायाकल्प किया, सफाई से लेकर के दवाई से लेकर के डॉक्टर का ओपीडी 2 बार किया, सारा चीज हम लोग काम कर रहे थे, तेजी से चल रहा था। सब कुछ जो है भटक जाएगा, कोई काम इन लोगों के बस की बात है नहीं। इसलिए आप देखिएगा सदर अस्पताल में 100 बेड का प्री फैब अस्पताल प्रशासनिक स्वीकृति दिया है लगभग 7 करोड़ का। जिला अस्पताल मोतिहारी परिसर में 52 बेड 42 बेड का शिशु गहन चिकित्सा इकाई P2 का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 3.5-4 करोड़ के आसपास हम लोगों ने दिया। NMGYS के तहत हम लोगों ने लगभग 80 करोड़ का रोड दिया, 77 पथ थे जिसमें यानी 71 किलोमीटर। NMGYS नाबार्ड योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 104 करोड़ रुपया 54 पथ यानी 82 किलोमीटर हम लोगों ने दिया, काम किया। 17 महीने हम लोगों ने सरकार को चलाया लेकिन पता नहीं क्या है हमारे चाचा फिर से पलट गए। क्या कारण था यार, मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं, आप लोगों को बोलने और लिखने की छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत गारंटी है ना। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि अगर मोदी जी आपका गारंटी इतना मजबूत है तो अपना गारंटी बताइए कि चाचा फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। वोटिंग शुरू भी हुआ था तो आप देखिएगा स्वास्थ्य केंद्र जो है लगभग 57 हमने दिया। हमने प्रण लिया था कि अगर आप अगर आप लोग एक मौका दीजिएगा, अगर हम बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो 20 लाख नौजवान 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम। क्या किया, पलायन रोका कि नहीं रोका, नौकरी दिया कि नहीं दिया। यही वादा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को ये नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। आज 10 साल हो गया, बताओ 20 करोड़ रोजगार दे रहा था, इन्होंने रोजगार तो दिया नहीं बल्कि इन्होंने रोजगार को छीनने का काम किया। भारत सरकार ने अब बहाली काम मिल रहा है, चाहे रेलवे हो जाए चाहे आर्मी का हो गया, अब तो सब कुछ निजीकरण कर दिया गया, नौकरी ही खत्म कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं, आप सब लोग चाहे इस मंच पर अगर आप देखिएगा तो हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं। इसलिए हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे, इसलिए आप लोग सब लोग जो है काम कीजिए। अतिथि शिक्षक वाले लोग हैं, अब नौकरी मिला है लोगों को तो इनका लोग सरकार जो है बोला कि भाई काम नहीं कर सकते, लेकिन हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बताने का काम किया। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी लड़ाई को
हमने बोला था नियोजित शिक्षकों को हम दिलाएंगे, हमने राज्य के कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। आप भी चिंता मत कीजिए, एक मौका दीजिए, साथ दीजिए, आपके भी दुख दर्द को अगर मिलकर के दूर करने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे मालिक हैं और मालिक का जो फैसला होगा वो हम स्वीकार करने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे।